everyone, this is Dr. Upinder Kaur and our today's topic is about angle of inclination. अब हमारी जो फीमर होती है फीमर बोन वो दो एंगल बनाती है, एक एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और दूसरा होता है एंगल ऑफ टॉर्शन। तो आज हमें पढ़ना है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन के बारे में, जिसे थीटा आई मैंने बोला। अब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वो बनता कैसे है? सो इट इज फॉर्म्ड बाय एक्सिस पासिंग थ्रू फीमरल हेड। एक एक्सिस फीमरल हेड में से पास होगी और दूसरी एक्सिस जो है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस फीमरल शाफ्ट में से पास होगी। ये दो जो लाइन है जहाँ क्रॉस करती है वहां पे एक एंगल बनता है जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। नॉर्मली ये जो एंगल होता है वो 125 डिग्री होता है। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 110 से लेके 144 डिग्री तक। बर्थ के टाइम पे हमारा ये जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होता है वो 150 डिग्री होता है, लेकिन जैसे जैसे स्केलेटन मैच्योरिटी आती है तो ये 125 डिग्री हो जाता है, कम हो जाता है। अब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन में चेंजेस आते हैं, कभी कभी एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बढ़ जाता है, कुछ में कम हो जाता है। उसकी वजह से क्या है कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो उन सिचुएशंस को पहले तो जिसमें एंगल बढ़ जाता है उसे बोलते हैं कॉक्सा वाल्गा और जिसमें कम हो जाता है उसे बोलते हैं कॉक्सा वेरा। अब ये दो जो कंडीशंस है हमें उसके बारे में पढ़ना है, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन में चेंजेस आने की वजह से गेट में चेंजेस आते हैं, पैथोमैकेनिक्स में चेंज आता है, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस है जो होती है। सो अभी हमें पढ़ना है सबसे पहले कॉक्सा वाल्गा के बारे में। कॉक्सा वाल्गा, अब कॉक्सा वाल्गा में सबसे पहले डायग्राम में देख लेते हैं। तो ये है हमारा नॉर्मल एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो 125 डिग्री जितना होता है। अब कॉक्सा वाल्गा में ये एंगल इंक्रीज हो जाता है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स हैं जो कॉक्सा वाल्गा के बारे में हमें बताएंगे। फर्स्ट पॉइंट, थीटा आई मतलब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज ग्रेटर देन 125 डिग्री। ये जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है वो ग्रेटर देन 125 डिग्री होगा। सेकेंड पॉइंट कि जैसे ही ये एंगल जो है इंक्लाइनेशन बढ़ेगा तो ये जो फीमरल हेड है और ग्रेटर ट्रोकेंडर है वो पास में आएंगे। यहाँ पे देख सकते हो दोनों दूर में है लेकिन यहाँ पे पास में आ गए। तो क्या होगा, डिक्रीज डिस्टेंस बिटवीन फीमरल हेड एंड ग्रेटर ट्रोकेंडर। तो फीमरल हेड और ग्रेटर ट्रोकेंडर के बीच में डिस्टेंस जो है वो कम होगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, जनरली यहाँ पे जो है यहाँ से लेके यहाँ पे हमारे एबडक्टर्स अटैच होते हैं, तो इनका मूवमेंट ऑफ आर्म बड़ा होता है। जितना मोमेंटम ज़्यादा हो फोर्स उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। अब जैसे ही ये दोनों पास में आ जाते हैं तो ये जो मोमेंटम है वो डिक्रीज हो जाता है। मोमेंटम डिक्रीज हुआ तो फोर्स भी डिक्रीज होगा, इसलिए एबडक्टर जो है वो वीक हो जाते हैं। तो इट डिक्रीज द मूवमेंट ऑफ आर्म ऑफ एबडक्टर, सो एबडक्टर बिकम वीक। थर्ड पॉइंट है डिक्रीज आर्टिकुलेशन। अब यहाँ पे देखो तो ये जो है एसिटाबुलम और फीमरल हेड दोनों पूरी तरह से आर्टिकुलेशन उनमें ज़्यादा है, जबकि ये इस तरह से एंगल इंक्रीज होने की वजह से इनमें जो है आर्टिकुलेशन कम हो गया है, पहले से कम हो गया है। आर्टिकुलेशन कम होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी कम है तो मतलब हिप डिसलोकेशन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, सो डिक्रीज इन स्टेबिलिटी। फिफ्थ पॉइंट है डिक्रीज शेयरिंग एंड बेंडिंग फोर्स अक्रॉस द फीमरल नेक। हमने ट्रेबुकुलर सिस्टम में पढ़ा था आगे की वीडियोस में कि यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लगता है और यहाँ पे टेंसाइल फोर्स। अब जो है ये दूर चला गया है यहाँ से, तो क्या होगा, शेयरिंग और बेंडिंग फोर्स जो यहाँ पे लग रही थी वो डिक्रीज हो जाएगी। वो डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे लोड कम आएगा। लोड कम आएगा तो जो ट्रेबिकुलर सिस्टम जो होता है जो स्ट्रेस की वजह से बनता है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। अगर ना पता हो ट्रेबिकुलर सिस्टम तो आगे की वीडियोस में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। फिर सेवेंथ पॉइंट है
अगर ये ऐसे हुआ तो फिमुलर एसिटाबुलर इंपिंजमेंट होगी, जिसकी वजह से लेब्रल टीयर होगा. अब लेब्रम टीयर होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी पूरी चली जाएगी. तो कॉक्सा वाल्वा के बारे में हमें 7 पॉइंट्स याद रखने हैं. सबसे पहला कि एंगल ग्रेटर देन 125 डिग्री होगा. सेकंड पॉइंट है कि फिमरल हेड और ग्रेटर ट्रोकेंडर का डिस्टेंस है कम हो जाएगा, उसकी वजह से जो है एबडक्टर्स की जो है मोमेंटम वो कम होगा, जिसकी वजह से एबडक्टर्स वीक होंगे. थर्ड, आर्टिकुलेशन डिक्रीज हो जाएगा. फोर्थ, आर्टिकुलेशन डिक्रीज हुआ है तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. फिफ्थ, शेयरिंग और बेंडिंग फोर्स जो लग रहा था वो कम हो जाएगा. सिक्स, ट्रेबिकुलर डेंसिटी डिक्रीज होगी. और सेवन, इसी तरह से प्रोग्रेशन होगा तो आगे फिमुलर एसिटाबुलर इंपिंजमेंट होगा, उसके साथ साथ लेब्रल टीयर होगा, और जो फिमरल जो है यहाँ पे इंस्टेबिलिटी, हिप जॉइंट में इंस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, अब वो स्टेबल नहीं रहेगा तो डिसलोकेशन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे. तो ये था कॉक्सा वाल्वा के बारे में. अब हमें पढ़ना है कॉक्सा वारा. सबसे पहले कॉक्सा वारा में क्या होता है, जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है. सो डिक्रीज इन एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज नोन एज कॉक्सा वारा. अब कॉक्सा वारा यहाँ पे डायग्राम में अच्छे से दिखाया है कि अगर ये नॉर्मल है एंगल तो इसमें इस तरह से बेंडिंग हो जाता है फीमोरल हेड का, और उसकी वजह से जो है एंगल जो है डिक्रीज हो जाता है. अब कॉक्सा वारा के एडवांटेजेस ज्यादा हैं और डिसएडवांटेज एक ही है. अभी हमें पढ़ने हैं कॉक्सा वारा के एडवांटेजेस. तो कॉक्सा वारा के जो एडवांटेजेस है, सबसे पहला है कि इंक्रीज इन स्टेबिलिटी. अगर एंगल ज्यादा ही डिक्रीज नहीं हुआ है, थोड़ा ही डिक्रीज हुआ है, तो उससे जो है स्टेबिलिटी बढ़ती है. दूसरा है इंक्रीज इन कवरेज. अगर एंगल डिक्रीज हुआ है तो ये कवरेज भी बढ़ेगी. तीसरा है इंक्रीज इन मूवमेंट ऑफ आर्म एज डिस्टेंस इंक्रीजेस. ऐसे बेंड होगा तो मूवमेंट ऑफ आर्म भी इंक्रीज होगी, उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो मूवमेंट ऑफ आर्म इंक्रीज होगी, तो फोर्स जनरेशन उतना ही अच्छा होगा मसल्स का. अब इसका डिसएडवांटेज एक ही है, और वो है कि इंक्रीज इन बेंडिंग ऑफ हेड एंड नेक ऑफ फीमर विल कॉज इंक्रीज इन लेटरल टेंशन फोर्स. अब हेड और नेक और जो है वो बेंड होते हैं, उसकी वजह से जो है लेटरल टेंसाइल फोर्स जो है वो बढ़ जाता है. ड्यू टू दिस इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ लेटरल ट्रेबिकुलर सिस्टम. अब ट्रेबिकुलर सिस्टम हमने पहले की एक वीडियो में भी पढ़ा था, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. अगर आपको ये नहीं पता है तो आप वो लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो. तो होता क्या है कि जब ये हेड और नेक फीमर का बेंड होता है तो लेटरल ट्रेबिकुलर सिस्टम की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है. वो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से लेटरल टेंसाइल फोर्स बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से जो है फीमरल फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो ये एक ही डिसएडवांटेज है जो कॉक्सा वारा में आता है, बाकी उसके ज्यादातर जो है एडवांटेजेस है. सो ये था एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन के बारे में. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेशन में बता सकते हो, या फिर कोई भी आपको टॉपिक सजेस्ट करना हो वो भी कमेंट सेशन में बता सकते हो. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू. Thank you.